सरकार स्कूल खोलने का निर्णय जल्द ले, नहीं तो तहसीलदार कार्यालय में धरना दिया जाएगा। इस मांग को लेकर आज शिवसेना हिंद के बैनर तले प्रदेश अध्यक्ष रमेश दत्त कालिया ने अभिभावकों, निजी स्कूल के अध्यापकों व स्टाफ सहित नायब तहसीलदार सुशील कुमार के माध्यम से प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर व महामहिम राज्यपाल को ज्ञापन भेजा है। उन्होंने कहा है कि स्कूल न खुलने से बच्चों का जीवन अंधकारमय हो गया है, तो वही निजी स्कूल के अध्यापकों को खाने के लाले पड़ने लगे हैं। उन्होंने कहा कि राजनीतिक रैलियों के लिए कोरोना नहीं है, बल्कि बच्चों के भविष्य को संवारने के लिए स्कूल खोलने के निर्णय को सरकार ठंडे बस्ते में डाले हुए है। आज करीब 2 वर्ष होने को है और सूबे के स्कूल बंद पड़े हैं। अगर ऐसा ही रहा तो आने वाले दिनों में बच्चे कुछ बनने के बजाय अनपढ़ ही रह जाएंगे। अब तो अभिभावकों को अपने बच्चों के भविष्य की भी चिंता सताने लग पड़ी है। ऑनलाइन के नाम पर बच्चे पढ़ने के बजाय मस्ती करने व गेम खेलने के शौकीन बन चुके हैं। आज निजी स्कूलों के हालात बद से बदतर हो चुके हैं। स्कूल बसें खड़ी खड़ी कबाड़ बन रही है, जबकि उन पर टैक्स का भुगतान निरंतर जारी है। स्कूल भवन खंडर बनने लगे हैं। अब स्कूल में बच्चे ही नहीं आ रहे हैं, जिस कारण अध्यापक को भी मासिक भुगतान नहीं हो पा रहा है। स्कूल प्रबंधकों के साथ साथ स्कूल स्टाफ का परिवार भी भूखे मरने की नौबत पर आ चुका है। शिवसेना हिंद के प्रदेश अध्यक्ष रमेश दत्त कालिया, अभिभावकों व स्कूल स्टाफ ने ज्ञापन के माध्यम से मांग रखी है कि शीघ्र ही स्कूलों को खोला जाए। उन्होंने कहा है कि अगर 10 दिन के अंदर अंदर स्कूल नहीं खोले तो फतेहपुर तहसील के प्रांगण में धरना दिया जाएगा। जो ज्ञापन ये जहाँ पर दिया गया है वो माध्यम यही था कि जैसे कि पिछले 1.5 साल से पूरे प्रदेश में हमारे जो सरकारी व निजी स्कूल हैं वो बंद चल रहे हैं, जिससे कि बच्चों के भविष्य पर बहुत बड़ा एक संकट गहराया है। आज देखा जाए तो जैसे प्राइवेट स्कूल हैं, जो जिनकी अध्यापकों की आजीविका उन्हीं स्कूलों पर निर्धारित थी, उस परिवार की जो आजीविका चलती थी उन स्कूलों पर निर्धारित थी, पिछले 1.5 साल से स्कूल बंद हैं। आज मैं मुझसे कई अध्यापक और कई अभिभावकगण जो हमसे रोज़ मिलते हैं वो यही कहते हैं कि आज हमारे जो बच्चों का भविष्य है बहुत अंधकारमय हो चुका है। इसी विषय पर आज मैं अपनी शिवसेना हिंद की टीम के साथ और अभिभावकगण और अध्यापकगणों के साथ जहाँ फतेहपुर में जहाँ मैं पहुँचा हूँ, जिसके मैं नायब माध्यम अपना नायब उप तहसीलदार के माध्यम से जहाँ से मैंने राज्यपाल महोदय और माननीय मुख्यमंत्री जी को एक ज्ञापन दिया गया है, जिस ज्ञापन का आधार जो था वो यही था कि जल्दी से जल्दी वो स्कूल खोले। जैसे कि आम देखा जाता है कि मेरे पंजाब के इलाके जो मेरा सराउंडिंग एरिया है उस इलाके के साथ पंजाब के टोटल स्कूल खुले हुए हैं, लेकिन हमारे हिमाचल के स्कूल सरकार जब चाहती है 10 दिन के बाद 5 दिन के बाद स्कूल बंद कर देती है, जिससे निजी बाद जो सरकारी स्कूल हैं उनके बच्चों का जो आगे का समय है, आगे का भविष्य है, वो अंधेरी की तरह नज़र आ रहा है। जिसके मैं आपके माध्यम से सरकार को यही चेताना चाहता हूँ कि मैं अपने संगठन के माध्यम से 10 दिन का समय जहाँ पर दे रहा हूँ, अगर 10 दिन के भीतर भी सरकार ने जो स्कूल नहीं खुले तो 10 दिन के बाद मैं यहीं इसी प्रांगण में धरने में बैठ जाऊँगा, जिसकी पूरी की पूरी जिम्मेवारी सरकार व प्रशासन की। फतेहपुर आज जो मांग पत्र दिया गया है अपने बच्चों के उज्जवल भविष्य को देखते हुए स्कूल खोलने का निर्णय जल्द ले सरकार, इसके बारे में जो इन्होंने लोगों डिमांडें अपनी दी हैं इसको मैं अभी थोड़ी देर में मैडम को भेज देता हूँ, तो ऐसे मुद्दे को जो मैं फॉरवर्ड कर दूँगा। अभी नहीं, पहले हम अपने सिंह घोष को भेजेंगे, उसके बाद ऐसे मुद्दे को अपने माननीय राज्यपाल मुद्दे व माननीय मुख्यमंत्री जी को भेज देंगे। दिस न्यूज इज स्पॉन्सर्ड बाय आर्या IAS अकेडमी राजा का तालाब।